हाउ आर यू आई होप यू विल भी फाइन आज हम लेसन पढ़ेंगे ज़ीरो के रिलेटेड वट इज़ दीरो पेज नंबर सिक्स है मैथ का आज मैथ में पेज नंबर सिक्स पे लिखा हुआ है जीरो वट इज़ द ज़ीरो ज़ीरो इज द हीरो उन्होंने कहा है कि ज़ीरो इज द हीरो हीरो क्या है हम प्लेज देखते हैं यानी कि ड्राम देखते हैं मूवीज देखते हैं तो हम हीरो को कितना लाइक करते हैं किसी का कोई आइडियल हीरो होगा किसी का कोई होगा आपका भी मस्ट होगा आई नो आपका होगा आप टीवी देखते हैं ना मूवीज़ भी देखते होंगे तो आज हम जानेंगे कि ज़ीरो किस तरह हीरो बनता है ठीक है पेज नंबर मैथ की बुक को ओपन करें और पेज नंबर सिक्स हम सॉल्व करेंगे ज़ीरो इज़ अ हीरो इट कैन डू मैनी थिंग्स हेडिंग है पुट योर फिंगर एट द टॉप ऑफ द अवल ट्रेस इट एंटी क्लाक वाइज एंड कम बैक वेयर यू स्टार्टिड डू इट अगेन एंड अगेन से ज़ीरो यानी कि ज़ीरो को आज हम ट्रेस करना सीखेंगे और उसको राइट करना सीखेंगे ठीक है ट्रेस हमने किस तरह करना है फर्स्ट फर्स्ट लिखा हुआ है ज़ीरो इज़ अ हीरो हीरो किस तरह बनता है इन मैथ देखें ज़ीरो अगर वन के साथ लगाएं तो क्या बन जाता है टेन अगर टेन जीरो नहीं लगाएंगे तो टेन नहीं बनेगा अगर टू ज़ीरो हम वन हंड्रेड वन के साथ लगा दें तो हो जाता है वन हंड्रेड तो हम आज ज़ीरो को लिखना यानी कि ट्रेस करना सीखेंगे हमने यूँ डॉट लगाने उसके बाद हमने ट्रेस करना है ज़ीरो को एंटी क्लाक जी उसके बाद हमने इसको ट्रेस करना है आपने यूँ तो ये क्या बन गया ज़ीरो इसी तरह आपने इसके ऊपर दो दफ़ा आपने इसके ऊपर पेंसिल को जो है वो मूव करना है और ज़ीरो लिखना यानी कि ज़ीरो ट्रेस करना आपने सीखना है और साथ ही साथ आपने जीरो को रीड करते जाना है ये आपने होमवर्क भी करना है और जीरो को बार बार रिपीट भी करना है यानी कि पढ़ना भी है उसको आइए अब हम जीरो को जीरो को रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है यानी कि एक है एग वन आपके पास एग है माइनस माइनस मीन किसी चीज़ में कमी हो जाना इज़ इक्वल टू आपके पास एक एग था वो क्या हुआ आपने पकड़ा और वो टूट गया अब आपके पास क्या बचा कोई नहीं एग खत्म हो गया बिल्कुल तो आपके पास कोई पूछेगा कि आपके पास कितने एग हैं तो आप कहेंगे ज़ीरो क्योंकि आपके पास तो एग चला गया है तो हम क्या कहेंगे हमारे पास कोई एग नहीं है यानी कि मेरे पास ज़ीरो हैं उसके बाद इसी तरह फाइव माइनस फाइव इज इक्वल टू आई थिंक ये फ्लावर हैं लग तो ऐसे ही रहे हैं ना फ्लावर हैं फ्लावर हैं तो वो क्या हुआ है जिस जो फाइव फ्लावर थे वो मुरझा गए हैं यानी कि ख़त्म हो गए हैं तो अब आपके पास फाइव फ्लावर थे वो क्या हो गए हैं मुरझा गए हैं यानी कि डेड हो गए हैं मर गए हैं यही समझ लें तो आपके पास कितने फ्लावर रह गए जीरो कितने रह गए ज़ीरो इसी तरह कैंडल्स हैं कैंडल्स क्या है? हमने तो हैं हमने जलाई तो वो ख़त्म हो गई थ्री कैंडल्स थी थ्री की थ्री ही हमने जला दी और वो ख़त्म हो गई तो बाकी आपके पास कितनी रह गई ज़ीरो इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर फोर फाइव और सिक्स जो है वो करना है उसके बाद राइट एंड रीड इधर भी लिखा हुआ है कि आपने राइट करना है एंटी क्लाक और उसको रीड भी करते जाना है यानी कि पढ़ते जाना है इसके बाद ये फिगर में लिखा गया है ज़ीरो ये वर्ड्स में हमने लिखना है जी ई आर ओ ज़ीरो हमने इसको वर्ड्स में भी लिखना है ज़ीरो को इसी तरह आपने ज़ीरो को रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करने हैं ज़ीरो को पढ़ना और लिखना भी सीखना है वैसे तो मैंने आपको सिखा भी दिया है तो आपने प्रैक्टिस करनी है होमवर्क होमवर्क वाली नोटबुक ले के, उस पर ज़ीरो की प्रैक्टिस करनी है